वकील भारतीय ग्राहक पंचायत ने दिखाई जनहित के लिए जागरूकता। 10 के सिक्योर ऑनलाइन कंपनी के डिलीवरी बॉय की पुलिस वेरिफिकेशन के लिए एसपी कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आज वकील भारतीय ग्राहक पंचायत ने प्रशासन को एक ऐसा आइडिया दिया है जो कि जनहित के लिए काफी लाभदायक है और तारीफ के भी काबिल है। आज पंचायत के वकील कलेक्टर एसपी से मिले, जिन्होंने एसपी को राष्ट्रदीप को बताया कि जितनी भी ऑनलाइन कंपनी चल रही है जैसे जोमेटो, स्विगी, अमेजन, इनकी डिलीवरी बॉयज का कोई भी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता, जिसकी वजह से कई असामाजिक तत्व दूसरे एरिया में जाकर इन कंपनियों को ज्वाइन कर लेते हैं। पुलिस कप्तान इस मामले पर हाथों संज्ञान लेते हुए सभी थानों पर मैसेज पहुंचाया कि जितनी भी अजमेर में कंपनियां चल रही है उनके डिलीवरी बॉयज का वेरिफिकेशन किया जाए। इसके अलावा 10 के सिक्के को भी कोई नहीं ले रहा है, इसको लेकर भी ज्ञापन सौंपा गया। हाँ बताओ भाई साहब, क्या मामला? अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जो ग्राहकों के हित से संबंधित एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, उसकी आज अजमेर जिला इकाई द्वारा जो ग्राहकों की जो समस्या है, जिसमें सर्व प्रमुख जो वर्तमान में 10 रुपये के सिक्के, मतलब कोई भी सिटी बस वाला, कोई व्यापारी, कोई बैंक उसको नहीं ले रहा है, इससे ग्राहकों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, वो स्पष्ट मना कर देते हैं। जैसे कि हमारा एक ग्राहक पंचायत का एक साथी बैंक में गया तो उसे कहा गया 1 लाख रुपए जमा कराओगे तो कुल 3 सिक्के हम उसमें लेंगे। तो इतने जो सिक्के हैं वो परेशानी का सबब बना हुआ है, और जब बैंक ही उस सिक्कों को नहीं लेगा तो वो आदमी सिक्कों का कहाँ उपयोग करेगा। तो एक तरह से ये जो मुद्रा है भारतीय मुद्रा, उसका अपमान भी है जो बैंक नहीं ले रहा है। इस संबंध में आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। कलेक्टर महोदय ने इस विषय में हमें एसपी साहब को ज्ञापन देने को कहा कि आप उन्हें भी ये शिकायत अवगत करा रहे हैं। तो पहला विषय तो हमारा ये था। दूसरा विषय था हमारा जो ये आजकल जितनी भी ऑनलाइन कंपनीज है, जोमेटो, स्विगी, जो अपने अमेजोन, जितनी भी कंपनीज है, इनमें जो ये फ्लिपकार्ट है, इनमें ये जो डिलीवरी बॉय होते हैं, इनका कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता है। तो कहीं बाहर के अपराधी तत्व या फरारी काट रहे होते हैं, इन कंपनीज के द्वारा क्या देखा जाता है कि सिर्फ इसके पास मोटरसाइकिल है, इसको एरिया की जानकारी है, इसका डीएल है, वो इसको नौकरी पर रख लेते हैं, चाहे वो किसी पृष्ठभूमि का हो। और ऐसे ही व्यक्ति जो यहाँ पे हैं, अपराध कारित कर रहे हैं, शहर में जो अराजकता का माहौल फैला हुआ है, उसके लिए हमने एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से निवेदन किया, उन व्यक्तियों का, उन कंपनीज को बाउंड करें, उनका वेरिफिकेशन करावें। और मतलब हमें बहुत अच्छा लगा कि जब हम एसपी साहब के पास गए तो उन्होंने तुरंत सभी थानों को मैसेज किया और आज दिन का टास्क ये देते हुए कहा कि जितनी भी ये कंपनीज है ऑनलाइन, उनसे ये वेरिफिकेशन करा के मंगाई जाए, किस व्यक्ति को काम पर रखते हैं और उसका क्या आधार है, उसकी आईडी जमा की जाए। तो ये हम इस तरह के विषय, रजत बंसल, सह मंत्री अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत अजमेर जिला, जोमेटो को सही करा अपने अभी।